अफगानिस्तान से अमरीका आकर आबाद होने वाले नबी साहिब 2010 में कहीं जाकर अपनी वालिदा के लिए मकान खरीदने में कामयाब हुए। एक ऐसा ख्वाब जिसे कई साल तक ये पूरा नहीं कर सके। कई दीगर मुसलमानों की तरह ये भी अमरीका में मकान खरीदने के रिवायती तरीकेकार यानी सूद पर कर्ज लेने के खिलाफ हैं। Everybody in our family was मेरे घर में हर शख्स मकान खरीदने के लिए रिवायती कर्जा लेने के खिलाफ था। मुश्किल है इस्लाम में ऐसा कर्ज लेना हराम है। सुहाग को मिशिगन में चलने वाली एक ऐसी कंपनी का पता चला जो अमरीका में इस्लामी उसूलों के मुताबिक फाइनेंसिंग का काम करती है। अमरीका में रहने वाले मुसलमान खानदानों को मकान खरीदने के लिए इस्लामी उसूलों की रोशनी में कर्ज मुहैया करती है। मेरे वालदैन ये सुनकर खुश हो गए कि वो इस्लामी तालीमात पर समझौता किए बगैर घर खरीद सकते हैं। ये उनके लिए एक बड़ा दिन था। वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया में गाइडेंस रेजिडेंशियल नाम की कंपनी भी यही काम करती है। It's a relief. बहुत से लोगों ने ये जानकर सुख का सांस लिया कि ऐसी कोई सहूलत मौजूद है। एक तरह से हम मुसलमान अमरीकियों के मकान खरीदने में मुस्बत मदद दे रहे हैं। गाइडेंस रेजिडेंशियल जैसी कंपनियां इस्लामी शरिया के मुताबिक मालिकाना हकूक के साथ घर फरोख्त करती हैं और कोई रवायती इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करती। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के कानून के प्रोफेसर बाबिक सबाही के मुताबिक ये तरीकेकार या तो फरोख्त या किराए पर मकान हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। In a sale contract, फरोख्त के कॉन्ट्रैक्ट में इस्लामी बैंक प्रॉपर्टी खरीदता है और अपने सार्फीन को मार्कअप या रेंट टू ओन टाइप मुआहदे के जरिए फरोख्त करता है। पार्टनरशिप के मुआहदे में बैंक और सार्फ दोनों मिलकर मकान की कीमत अदा करते हैं। कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता बैंक को रकम अदा कर देता है और मकान का मालिक बन जाता है। ये तरीके कार कामयाब रहता है क्योंकि इस्लाम में तिजारती सामान या इस केस में मकान की फरोख्त पर मुनाफा कमाने की इजाज़त तो है। घर खरीदने वालों को ऐसा नहीं लगता कि वो सूद अदा कर रहे हैं। मैं कैदी खाना रहा था। हमें अब कोई परेशानी नहीं। हम हर किसी को बताते हैं कि हमने एक इस्लामी कर्जा लिया। बैंक इस्लामी गिरफ्ते बस याद है। पिछले 10 साल में अमेरिका में शरिया फाइनेंसिंग के जरिए मजमूई तौर पर 3 अरब डॉलर के घर खरीदे गए जो अमेरिकी हाउसिंग मार्केट का एक मामूली सा हिस्सा है। फिर भी इस्लामिक फाइनेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अमेरिका में अपना घर खरीदने का ख्वाब पूरा करने में मदद दे रही है। माना राबी के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA।